आ गया दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आया। या यूं कहे तो जो एक आग सीने में लगी हुई थी उसे आज जाकर ठंडक मिली। और इस ठंडक जाने का काम किया है अफगानिस्तान ने, क्योंकि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में 21 रनों से हरा दिया है। तो अफगानिस्तान T20 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो पाई है। और जो 50-50 वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अफगानिस्तान को, उसका आज अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, क्योंकि उस एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में अकेले मैक्सवेल ने मतलब अफगानिस्तान के मुंह से उस जीत को छीन लिया था। तो उसका बदला आज अफगानिस्तान ने ले लिया। साथ ही साथ भारत जो कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, उसका बदला आज अफगानिस्तान ने ले लिया। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम हराती है तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को एक बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ से जो 24 तारीख को जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मैच है, उसमें अगर भारत भी ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर उसके बाद जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है, उसमें अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी हरा देती है तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जगह अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी और इस तरह से हमें एक बहुत ही सुकून मिलेगा। करें इस मैच की, तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इस तरह से अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाने में कामयाब हो सके, क्योंकि ये पिच बहुत ही धीमी थी। तो इसके मद्देनजर आप इसे एक अच्छा खासा स्कोर बोल सकते हैं। देखा जाए तो अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत ही शानदार रही थी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहला विकेट 15.5 ओवर में 118 रनों पर गिरा। उसके बाद मतलब विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रहा और 20 ओवर में मतलब 148 पर अफगानिस्तान 6 हो गई थी। बात करें अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान के दोनों ओपनरों ने अशतक लगाए। अफगानिस्तान की तरफ से टॉप पे स्कोर रहे गुरबाज, जिन्होंने 49 बॉलों पर 60 रनों की पारी खेली। वहीं पर दूसरे ओपनर इब्राहिम जहरदान ने भी 48 बॉल पर 51 रनों की पारी खेली। उसके अलावा कोई बल्लेबाज ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। अफगानिस्तान 170-180 रन अवश्य बना लेगी, बट बीच में उसके इतने विकेट गिरे कि वो मात्र 148 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमिंस ने फिर से एक बार हैट्रिक ले ली। मतलब कि उन्होंने लगातार दो मैचों में दो बार हैट्रिक लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया, क्योंकि T20 या वनडे में कोई भी गेंदबाज लगातार दो मैचों में दो बार हैट्रिक नहीं लिया है। मतलब टेस्ट मैचों में आपके वसीम अकरम ने दो मैचों में उन्होंने हैट्रिक ली है, बट वनडे और टेस्ट में किसी ने यह कारनामा नहीं किया है, बट कमिंस ने वो कारनामा कर दिया। 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं पे जंपा ने भी 2 विकेट हासिल किया। वहीं पे आपके स्टोनिस को 1 विकेट प्राप्त हुआ। 149 रनों का पीछा करने उतरी जब ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत लेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट आज लगता है ऑस्ट्रेलिया का दिन नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग में भी बहुत सारे कैच और बहुत सारे मिस फील्डिंग किए थे। हमें लगता है कि 20-30 रन उन्होंने एक्स्ट्रा ही दे दिया था, जिस कारण से अफगानिस्तान 148 रन तक पहुंच पाई थी। और फिर भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए। ऑस्ट्रेलिया 19.2 ओवर में 127 पर पूरी टीमें ऑल आउट हो गई और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 21 रनों से इस मैच को हार गई। और इस तरह से अफगानिस्तान ने एक कीर्तिमान अपने नाम पर दर्ज कर दिया। शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि आपके जो ऑस्ट्रेलिया के मेन ओपनर आपके ट्रेविस हेड 0 रन पर नवीन होल हक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में 3 विकेट गंवा चुकी थी 33 रन पर। मतलब रन बोल भी नहीं था और उन्होंने 3 विकेट गंवा दिया था। मतलब शुरुआत में ही अफगानिस्तान के बाद नवीन हक ने घर पर पा दिया। और उसके बाद बीच के ओवरों में गुलबदीन नेम ने तो कमाल ही कर दिया। गुलबदीन नेम जब से आए मतलब वो पूरी तरह छा गए, लगता है आज उसी का दिन था। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जिसे मतलब देखा जाए तो एक तरह से अफगानिस्तान का जीत में सबसे बड़ा योगदान गुलबदीन नेम का ही रहा। इसे उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। वहीं पर नवीन उल हक ने भी 4 ओवर में 20 रन देकर इन्होंने भी 3 विकेट हासिल किया। इस तरह से गुलबदीन नेम और नवीन उल हक ने तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी और अफगानिस्तान का जीत में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं दो गेंदबाजों का रहा। अफगानिस्तान के जीत और हार में आज फिर से एक बार सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरे मैक्सवेल। जब तक मैक्सवेल थे तब तक
ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें जिंदा थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में 50-50 वर्ल्ड कप में जिस तरह से अकेले अपने दम पर अफगानिस्तान से वो मैच को छीन लिया था, आज उसी की तर्ज पर फिर से एक बार लग रहा था कि आज वो फिर से मतलब मैच निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल ने 41 बॉल पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे ज़्यादा 59 रनों की पारी खेली, जिसमें उसके 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बट मैक्सवेल जब 14.4 ओवर में 101.06 पर जब उनका विकेट छठे विकेट के रूप में गिरा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 19.2 ओवर में 127 पर पूरी टीमें ऑल आउट हो गई। मतलब जब तक मैक्सवेल थे तब तक लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सकती है, बट उसके गिरने के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया धराशायी हो गई और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक शर्मनाक हार दर्ज हो गया और अब उसके सेमीफाइनल पहुंचने को लाले पड़ गए हैं, क्योंकि अब उसका लास्ट मैच भारत से है। अगर भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। आप सभी को यह मैच कैसा लगा? क्या अफगानिस्तान की जीत, क्या हमारे उस जो वर्ल्ड कप की हार पर कुछ मलहम लगाने में कामयाब हो पाए या नहीं, या फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराने में कामयाब होंगे तभी हमें वो राहत मिलेगी, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है। और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।